वर्ल्ड कप 2023 से पहले 18 वनडे खेलेगा भारत। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया 18 वनडे नॉट T20 और 8 टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरान भारत को पाकिस्तान में 50 ओवर का एशिया कप भी खेलना है। टीम इंडिया पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गई। सीरीज में के 2 मैच बारिश में धुल गए, लेकिन टीम की खराब गेंदबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। गेंदबाजी के अलावा टीम इंडिया के सामने और भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें हम इस खबर में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि टीम इंडिया किस तरह अपनी इस चुनौतियों पर पार पा सकती है। राउंड रोबिन फॉर्मेट में होगा 2023 का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में 15 प्लेयर्स का स्क्वाड रहेगा, जिनमें से 11 प्लेयर्स खेलेंगे। 2023 का वर्ल्ड कप राउंड रोबिन फॉर्मेट में होगा, यानी 2019 में हुए वर्ल्ड कप की तरह सभी टीमें 10 टीमें एक दूसरे से 9 मैच खेलेगी। फिर टॉप 4 पोजीशन पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल से विजेता का फैसला होगा। वर्ल्ड कप के लिए 10 में से 7 टीमें ICC सुपर लीग पॉइंट टेबल के आधार पर तय हो चुकी है। 3 टीमें होना बाकी है। नीचे के ग्राफिक्स में देखें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीमें कौन कौन सी है, जिनके आगे क्यू लिखा है वह क्वालिफाई कर चुकी है। कौन होंगे भारत के टॉप 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले? टीम सिलेक्शन टीम इंडिया के गले की हड्डी बना हुआ है। बल्लेबाज लगभग तय है, लेकिन ऑलराउंडर और गेंदबाज का सिलेक्शन भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिनमें से टीम इंडिया को पार पाना है। टॉप ऑर्डर्स लगभग तय है। टॉप ऑर्डर में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। विराट कोहली नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, लोकेश राहुल या ऋषभ पंत नंबर 5 पर रहेंगे। इन 6 प्लेयर के अलावा टीम इंडिया सुमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा को भी ट्राई कर रही है। बचे हुए 18 वनडे में प्रदर्शन के आधार पर इनमें से किसी एक प्लेयर का स्क्वाड में जगह मिल सकती है। ऑलराउंडर कौन होंगे? 6 और 7 नंबर पर टीम इंडिया हार्दिक पांड्या और वीरेंद्र जडेजा पर फिर एक बार भरोसा दिखा रही है। वही इन पोजीशन के लिए वाशिंगटन सुंदर, सरदुल ठाकुर, दीपक चाहर को भी ट्राई किया जा रहा है। परफॉर्मेंस के आधार पर इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को स्टैंड बॉय के रूप में टॉप 15 में जगह मिल सकती है। अब आती है गेंदबाजों की सबसे बड़ी समस्या। 50 ओवर का टूर्नामेंट जीतने के लिए भारत को कम से कम 8 नंबर तक अच्छी बैटिंग करने वाले गेंदबाजों की ज़रूरत है, जिनमें सुंदर, सरदुल और दीपक चाहर का नाम सबसे ऊपर है। 9, 10 और 11 नंबर पर प्रॉपर बॉलर हो तो भी काम चलाया जा सकता है। टीम के पास जसप्रीत बुमराह के रूप में एक नॉन बैटिंग बॉलर अवेलेबल है, लेकिन कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और युजेंद्र चहल में से किन्हीं 2 नॉन बैटिंग बॉलर्स का चुनाव करना सबसे कठिन होगा। भारत उमरान मलिक, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, यश दयाल, हर्षदीप सिंह जैसे बॉलर्स को भी इन दिनों ट्राई कर रहा है। ऐसे में बचे हुए 18 वनडे में बेस्ट बॉलर्स को चुनना बहुत मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया को इन 18 वनडे में टैकल करना होगा इस समस्या को। विदेश में 2 सीरीज खेलेगा भारत। दिसंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक टीम इंडिया विदेश में 2 और अपने घर पर 4 सीरीज खेलेगी। इसके अलावा हमें सितंबर 2023 के दौरान पाकिस्तान में एशिया कप भी खेलना है, जो वनडे वर्ल्ड कप के चलते इस बार 50 ओवर का होगा। विदेश में भारत की पहली सीरीज 4 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही है। भारत यहाँ 3 वनडे खेलेगा। बांग्लादेश के बाद जुलाई 2023 के दौरान वेस्ट इंडीज में भी हम 3 वनडे सीरीज खेलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।